7 दिसंबर बुधवार के दिन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से स्टीव स्मिथ की वापसी हो गई है। अब आप सभी यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि स्टीव स्मिथ की वापसी तो कई दिनों पहले ही हो चुकी है और ये जनाब यहाँ खड़े हुए क्या खबर दे रही है। लेकिन अभी तो रुको ज़रा, खबर बाकी है। खबर ये है कि स्टीव स्मिथ की टेस्ट में वापसी हो रही है। जी हाँ, स्टीव स्मिथ बतौर कप्तान एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम में नजर आने वाले हैं। वेस्टइंडीज के साथ खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में स्टीव स्मिथ को फिर से ऑस्ट्रेलिया का कप्तान चुना गया है। आपको बता दें कि टेस्ट में नियमित रूप से कप्तान पैट कमिंस चोटिल हो गए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ को नया कप्तान चुन लिया गया है। आपको बता दें, आखिरी बार स्टीव स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कप्तानी करते दिखाई दिए थे। इसके बाद बॉल टेम्परिंग मामले में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। स्टीव स्मिथ 1 साल के लिए क्रिकेट से दूर भी रहे थे। इसके बाद जब उन्होंने क्रिकेट में वापसी की तो उन्हें बतौर कप्तान टीम में ना लाने का फैसला किया गया था और वो बतौर खिलाड़ी ही टीम में वापस लौटे थे। लेकिन अब कई सालों के बाद स्टीव स्मिथ को एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करने का मौका मिल रहा है। टीम के मैनेजमेंट ने स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज बल्लेबाज पर अपना भरोसा जताया है। स्टीव स्मिथ ने भी कप्तान बनने के ऊपर अपना बयान दिया है। चलिए जानते हैं कि क्या कहा है स्टीव स्मिथ ने। मैं नहीं समझता कि कमिंस मैच नहीं खेल सकते थे, लेकिन वो इस सप्ताह खुद को पूरी तरह से ठीक करने में जाएंगे। आगे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज आ रही है और हमारे लिए भारत में भी टेस्ट सीरीज होनी है। आगे काफी क्रिकेट खेलना है। पर्थ टेस्ट मैच में अंत में अन्य तेज गेंदबाजों के ऊपर ज्यादा लोड डालना भी जोखिम वाला निर्णय था। कमिंस को बाहर रखने का निर्णय शायद सही लिया गया है और अब हम अगले मैच में खेलेंगे। आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में 1-0 से आगे है। वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट मुकाबले में शिकस्त देने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतने के लिए उतरेगी। दूसरा टेस्ट मुकाबला 8 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में खेला जाएगा। आपको बता दें कि पहले टेस्ट मुकाबले में स्टीव स्मिथ ने शानदार बल्लेबाजी की थी, जहां बल्लेबाज ने कई दिनों के बाद अपने दोहरे शतक को अंजाम दिया था। स्टीव स्मिथ इस वक्त अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर से उन्हें कप्तानी करता देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बॉल टेम्परिंग के बाद से स्टीव स्मिथ पहली बार किसी भी प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते दिखाई देंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत गर्व की बात है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।